जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर अहमद। नाज़रीन, मुल्क भर में एक विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि मुल्क को सरसब शादाब बनाना है, लेकिन ट्रस्ट स्कूल का ये प्राइम मिनिस्टर के इस इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से भी बहुत पहले गुज़श्ता 15 सालों से ये शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर ये शजरकारी करते हैं। आज लाहौर प्रेस क्लब में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में इन्होंने पौधे लगाए हैं और मेरे साथ मैडम मौजूद हैं, तो मैडम से हम बात करते हैं कि आपका ये विज़न, ये आपकी मुहिम गुज़श्ता 15 सालों से चल रही है, आपने कहाँ कहाँ पौधे लगाए हैं? फलदार पौधे लगा रहे हैं, घने सायादार पौधे लगा रहे हैं, किस तरह के पौधे लगा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सायरा ताहिर, फाउंडर ट्रस्टी दी ट्रस्ट स्कूल। हम लोगों ने अपने स्कूल का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था 26 साल पहले और बड़े बच्चे माशाल्लाह उसमें अच्छे कर रहे हैं। इसमें हमारा मकसद तालीम और तरबियत है। तरबियत में वो चीज़ें आती हैं जो आप अपने मुआशरे और मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये प्लांटेशन और नेचर को ठीक रखना, सेव करना और इसमें अपना हिस्सा डालना, ये बहुत सालों से हमारे बच्चे कर रहे हैं। जब से है तो ये हर साल प्लांटेशन के लिए बहुत करते हैं और अब कुछ सालों से हमने उनको किया है कि बच्चे अपने बर्थडेज पे भी और जब अपने घरों में मिलने जाते हैं ईदों पे भी, वो पौधे का तोहफा लेकर जाते हैं कि हमने अपने पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है, हमारी नेचर में ऑक्सीजन चीज़ें आएँ। और वो जो हमारा एक गैप आ गया था इसको निगलेक्ट करने का, सोशल मीडिया, टेलीफोन, ये डिवाइसेस ने ऐसे किया था कि हमारी एक जनरेशन उससे ज़रा पीछे हट गई थी। तो हमने इतने सालों की वो उस कमी को पूरा करने के लिए इस साल भी हमने मुख्तलिफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फेनेज हाउस, और इसमें कोई हमारी वो नहीं है लिमिट के हमने कितने पौधे लगाने हैं, जितने हमें आपस में मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग हमें डोनेशन देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं और आज भी और आएंगे पौधे, तो हम इसको मैक्सिमम करना चाह रहे हैं। मेनली ये है कि हमने अपने पाकिस्तान को रोशन, ग्रीन और साफ़ बनाना है। तो इस मकसद के लिए कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या कोई एनजीओ का हो, हम हर उस बंदे के साथ हैं जो पाकिस्तान को बेहतर और रोशन बनाने। अच्छा मैडम, आप एक अच्छा एक बड़ा स्कूल चला रही हैं, तो मुआशरे के अंदर अगर हमने अपनी नस्ल को किसी किस्म की तालीम और तरबियत देनी है, उसके लिए स्कूल्स बड़ी प्लेटफॉर्म होता है। हमारे बदकिस्मती से हमारे निसाब में इस तरह का कोई ऐसी मामला नहीं है, जिस तरह सफाई के लिए बच्चों को तैयार किया जा सकता है, गली मोहल्लों में गंद नहीं डालना, इसी तरह पौधों की अहमियत के हवाले से आपके स्कूल में कोई इस तरह का स्पेशल लेक्चर होता है? क्योंकि इसके बगैर जितना मर्ज़ी आप कंपेन TV पर चला लें, हुकूमतें कंपेन चला लें, जब तक बच्चों के अंदर शुरू में ही क्लास 1 से लेकर आप उनको ये तरबियत नहीं देंगे शजरकारी की और सफाई की, आपके स्कूल ने इस तरह का कोई अहतमाम किया हुआ है? जी हमारे यहाँ जी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। और ये अगर आप कहें कि एक लेक्चर या वो नहीं है, ये डेली बेसिस का हिस्सा उनकी तरबियत जो है हर रोज़। जैसे हमारे माशाल्लाह मेरी टीम टेट्स की बहुत अच्छी है, वो माहौल की सफाई के लिए हमने समर हॉलीडे होमवर्क में उनको दिया था कि ना सिर्फ उन्होंने अपना घर साफ़ करना है बल्कि अपने एरिया, हर किसी ने अपने घर से बाहर निकल के जो गली या चीज़ है उसको कैसे साफ़ रखना है। हमारे जो हेड्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो स्कूल जाते हुए कुछ चीज़ भी पड़ी है खुद उतारते हैं, तो वो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। और सफाई और ये जो से नो टू प्लास्टिक बैग, जैसे ये देखें हमारी कैंपेन चलती है, हमने ये फ्री ऑक्सीजन का भी बनाया चीज़ें के, ताकि बच्चों को ये अंदाज़ा हो कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए कैसे करना है। जैसे हर बशर दोष है, तो ये बच्चों को ना सिर्फ ये ग्रैंड पेरेंट्स की इज्जत एहतराम, दूसरों के साथ कम्युनिटी सर्विस क्लब है प्रॉपर हमारे स्कूल में, जो बच्चे डिफरेंट जगह पे जाकर वो खुद, हालांकि हमारा एक ट्रस्ट है लेकिन वो बच्चे दूसरी जगह जाके अपनी सेविंग, टीचर्स खुद अपनी और ट्रस्ट भी उनको छोटी छोटी चीज़ें देता है, जो वहाँ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको जाके हेल्प आउट करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं अपनी, हर बच्चा हर टीचर अपनी जगह पे चलाता है, तो ये मैसेज ज़्यादा जगह फैलता है। अच्छा जी, जिस तरह मैडम का आपने पैगाम सुना, इसी तरह ट्रस्ट स्कूल की इंतज़ामिया के एक बड़े अहम मुझे CEO, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, सरमा साहब, स्कूल के अंदर ये आपकी बड़ा अच्छा कावश है कि आप शजरकारी के लिए पिछले गुज़िश्ता 15 सालों से आपका स्कूल कोशिश कावश कर रहा है, तो इसमें आप जब पौधा लगाते हैं तो किसी और जगह जी, तो वहाँ पे केयरिंग का क्या सिलसिला होता है? अगर आपने किसी जगह 50 पौधे लगाए, 100 पौधा लगाया, तो उसको फॉलो किस तरह करते हैं? वहाँ पर पानी का सिलसिला क्या होता है, क्या सिलसिला होता है?
ये जी, जिस तरह आपने पूछा है कि हम जो प्लांटेशन करते हैं उसका हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो यही देखते हैं और डिस्कस आपस में एज ए टीम करते हैं कि प्लांट्स लगाना तो बहुत आसान काम है पर उनकी मेंटेनेंस करना ज़्यादा ज़रूरी काम है। प्लांट्स लगाने के लिए तो आपको जगह जगह खोदा आपने, गड़ा और उसमें आपने लगा दिया अपना पौधा, लेकिन उसको उसकी जो अपब्रिंगिंग है उस प्लांट की और जो उसको ज़रूरियात हैं, उसको पानी चाहिए, उसको आपको बचाना है उन लोगों से कि वो कोई राह चलते उसको तोड़ ना ले, जिस तरह हमारे यहाँ फूलों को तोड़ लेते हैं लोग। तो हमने आज जिस तरह प्रेस क्लब में यहाँ पे ट्री प्लांटेशन का आगाज़ किया है, इसी तरह हम ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ हमें पता हो कि माली मौजूद हैं, लोग जो इसकी देखभाल कर सकते हैं मौजूद हो, उसको पानी मिल सके और उस प्लांट को एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़ा किया जा सके। क्योंकि हम सिर्फ प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये प्लांट्स कल को इस मुल्क में इस मुल्क को सरसब्ज करें और इसमें जो हमारे बच्चे हैं जो इन प्लांट्स को लगाते हैं, हमने उनकी भी ज़िम्मेदारी लगाई है और लगाएंगे कि हाँ ये जाके अपनी प्लांटेशंस को रिविज़िट करते रहें अपनी ज़िंदगी के टेन्योर में, ना सिर्फ जब तक वो ट्रस्ट स्कूल के। सायरा ताहिर ट्रस्टी ये फाउंडर हैं ये ट्रस्ट स्कूल की और सरमस, इनके साथ हमारी तफसीली बात हुई है और मेरी दीगर जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत बड़े कैंपस होते हैं, उनके ग्राउंड भी बड़े होते हैं, उसमें दर्जनों माली काम करते हैं और बहुत बड़ा बजट भी होता है। इस तरह ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये अपनी मदद आपके तहत इस तरह के काम करते हैं, इनको सराहना चाहिए और दीगर प्राइवेट स्कूलों को भी इस डगर पर चलते हुए पाकिस्तान को सर सब शादाब बनाना चाहिए।